सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराए हैं। यह विश्वविद्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो गेट बंद किया गया है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। खबर भागलपुर से है, जहां पर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय से आए दिन लापरवाही का मामला निकलकर सामने आता रहता है। एक बार फिर से छात्र उग्र है, आक्रोशित है और आंदोलन कर रहे हैं। इस बार भी छात्रों ने बड़ा आरोप विश्वविद्यालय पर लगा दिया है, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगा दिया। छात्रों ने कह दिया है कि हमारी मांगों को सुनी नहीं जाती है और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। और आज छात्र आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय पहुंच गए, जहां पर तमाम कर्मचारियों को निकाल बाहर किया और तालाबंदी कर दी, ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में अगर हम कोई भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो हमारे शिकायतों को सुना नहीं जाता है और कुलपति हमारे शिकायतों को नहीं सुनते हैं और बाद में हमें उनके आवास पर भेज दिया जाता है, जहां पर हमसे किसी भी मामले का संज्ञान तक नहीं लिया जाता। छात्र जो है आज काफ़ी उग्र नजर आ रहे हैं और उन्होंने तालाबंदी कर दी है। तो चलिए एक बार सुनते हैं कि इस पर आक्रोशित छात्रों का क्या कुछ कहना है। किस मांग को लेकर बंद किया? हम लोग परीक्षा विभाग में लगभग 2-3 सप्ताह से देखते हैं कि रोज़ गेट बंद होता है, गेट बंद रहता है, जिसके कारण छात्र मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन के लिए आते हैं, चक्कर काटते हैं, रोज़ घर चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और किसी छात्र को परीक्षा विभाग में एंट्री नहीं है। सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराए हैं। वहाँ जितना भी गार्ड हैं सब छात्रों से अब दुर्व्यवहार करते हैं, गेट खोलते ही नहीं है, किसी को एंट्री नहीं जाना, इसलिए हम लोग गेट बंद करके रखे हैं कि जब तक परीक्षा विभाग का मेन गेट नहीं खुलेगा, जो छात्रों का डिग्री सेक्शन है, मूल प्रमाण पत्र वाला सेक्शन, उस सब में छात्रों का जाने का एंट्री ही नहीं है, तो विश्वविद्यालय किस लिए खोल के रखे हैं? विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे हम लोग जब तक परीक्षा विभाग का गेट बंद नहीं हो। आज विश्वविद्यालय के द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि परीक्षा विभाग में कोई काम छात्रों का नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया है। कारण यह है कि विश्वविद्यालय को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन बहुत काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस कारण से परीक्षा जो छात्र हैं बाधा बनेंगे। हम कह रहे हैं कि आम छात्र हैं, अगर परीक्षा से मिलेंगे तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र का रिजल्ट गड़बड़ी होगा तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र को मूल प्रमाण पत्र बनाना तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? यह विश्वविद्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो गेट बंद किया गया है, ताकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं बरगद का पेड़ उपजे। जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, उसके बावजूद भी इस तरह का फरमान कहीं से भी मंजूर नहीं किया जाता। वही तालाबंदी को देखते हुए कुल अनुशासक ग्रिजेश नंदन ने छात्रों से वार्ता की, वहीं उन्होंने भी छात्रों की मांग को जायज ठहराया है, लेकिन उन्होंने छात्र को कुलपति से मिलने को कहकर उन्हें कुलपति आवास भेज दिया। और छात्रों का कहना है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो यह तालाबंदी आगे भी जारी रहेगी। यानी कि छात्र जो है पूरे तरीके से आक्रोशित है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम आगे भी अपनी जो कार्रवाई है वो जारी रखेंगे, यानी कि हम आगे भी ताला जड़ देंगे, क्योंकि हमारे मांगों को सुना नहीं जाता, हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर हमारी शिकायतों को कौन सुनेगा? क्योंकि विश्वविद्यालय तो इसीलिए है कि वो हमारे शिकायतों पर संज्ञान ले सके, बावजूद इसके हमारे शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।